दोस्तों सल्फीरा फिल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ। इसका चौथा दिन है। अक्षय कुमार की फिल्म ने क्या मंडे टेस्ट पास किया? क्या फिल्म ने अच्छी खासी कमाई की? फिल्म का ड्रॉप कितना आया है? सब चीज़ों की जानकारी आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ। सल्फीरा के डे फोर की बात करें, डे थ्री तक सल्फीरा ने 12.50 करोड़ तक का कलेक्शन किया है, आपको पता है 12.5 करोड़। फोर्थ डे 3% की ऑक्युपेंसी मॉर्निंग शो की थी, आफ्टरनून शो की ऑक्युपेंसी 5% तक थी, शाम की ऑक्युपेंसी इवनिंग की 7-8% तक थी और नाइट शो की ऑक्युपेंसी 11-12% तक गई थी। जी हाँ दोस्तों, लोगों ने इस फिल्म को लेकर रुचि दिखाई है। शाम और रात के शोज में फिल्म का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, लेकिन आपको पता है एक पर एक टिकट फ्री, एक तो वो चीज़ चल रही है इस फिल्म के साथ साथ ही साथ इसके अलावा मंडे को टिकट प्राइस ड्रॉप होते हैं तो उसका भी असर फिल्म के कलेक्शन पर पड़ता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है इस फिल्म का एवरेज ऑक्युपेंसी इसकी तकरीबन 6-7% के रेंज में है, जो डे वन से काफ़ी सिमिलर है, और लेकिन टिकट प्राइस कम है आज के दिन तो उसका असर फिल्म के कलेक्शन पर दिखेगा। और मुझे ऐसा लगता है 1.5 से 2 करोड़ तक के कलेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली बहुत ही एकदम क्लियर अगर बात करो तो 1.25 से 2 करोड़ तक नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी इसी रेंज में कलेक्शन होंगे। और 1.5 से 2 करोड़ तक अगर कलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जो उसके साथ टोटल कितना होगा वो बताने वाला हूँ, उसके साथ टोटल हो जाएगा इस फिल्म का 14 से 14.50 करोड़, यानी कि ये फिल्म 14 से 14.5 करोड़ तक कमाती हुई नजर आ रही है पहले 4 दिनों में, यानी कि सेल्फी का जो लाइफ टाइम है ऑलमोस्ट 16 करोड़ का उसे बीट कर देगी। आगे कहाँ तक जाएगी ये अल्लाह मालिक है, और लेकिन यहाँ से 25 करोड़ तो कम से कम नजर आ रहा है और मुझे लगता है उतना फिल्म को करना भी चाहिए सेल्फी। आपको आप ही कह रहा है जरूर बताएगा। लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।